नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रत्येक दिवस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। मैं आपको बताता हूं कि आज कौन सा दिवस मनाया जाता है और साथ ही इतिहास में क्या कुछ खास हुआ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किन खास व्यक्तियों का जन्म हुआ और कौन खास व्यक्ति इस संसार को अलविदा कह गए। और दोस्तों, आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जैसे कि आज के ही दिन मशहूर बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र का जन्म हुआ था। आज के दिन पहली बार माचिस की बिक्री शुरू हुई थी। और आज के ही दिन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। क्या है विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या है इसका इतिहास एवं अन्य सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो सभी जानकारी गारंटीड आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। वैसे तो यह दिवस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आज इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है ऐसे समय में जब पूरा विश्व COVID-19 के प्रकोप को झेल रहा है। आज कोरोना वायरस की वजह से न जाने कितने लोग संक्रमित हैं और न जाने प्रत्येक दिन कितनी मौतें हो रही हैं, और पूरा विश्व इस बीमारी के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस बीमारी के खिलाफ लड़ रहे हैं वह हैं नर्सेस और डॉक्टर। इस समय 13 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, 75,000 से अधिक मौतें हो गई हैं। कोरोना संक्रमित लोगों की जान बचाने में डॉक्टर स्वास्थ्यकर्मी दिन रात एक किए हुए हैं। यह दिन भी हमारे लिए स्वास्थ्यकर्मियों का हृदय से सम्मान करने वाला दिन है। और दोस्तों, आज यह दिवस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग दिन रात एक किए हुए हैं, जो लोग अपने घरों से बाहर अपने परिवार से दूर हैं, वह लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हमारी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों में रहें और उन लोगों की लड़ाई में उनका साथ दें। तो आइए जानते हैं 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को यानी आज के दिन। अब क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी और प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को इसकी वर्षगांठ के मौके पर विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। अब वर्ल्ड हेल्थ डे क्या है, तो बहुत साधारण सी बात है कि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना हुई थी, इसलिए क्या किया जाता है प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, तो थोड़ा देर पहले इस पर एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई गई है कि WHO क्या है, इसके कार्य क्या है। दलवीर सर ने थोड़ा देर पहले यह वीडियो अपलोड की है, तो आप लोगों को मैं आई बटन उसका लिंक दे रहा हूं, तो आप जरूर जाकर उस वीडियो को देखें क्योंकि इसमें एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए गए हैं। तो आइए चले आगे देखते हैं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर जागरूकता फैलाना। तो WHO जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, ये यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, एक संस्था है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है कि स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं उनमें जागरूकता फैलाना। देखिए, WHO ने स्मॉल पॉक्स बीमारी को खत्म करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और वर्तमान में COVID-19 के खिलाफ लड़ने के लिए भी क्या जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना के समय क्या था, संविधान पर विश्व के 61 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और उसकी पहली बैठक कब हुई थी, 24 जुलाई 1948 को हुई थी। तो जो WHO है, इसकी स्थापना के समय क्या हुआ, 61 देशों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और पहली बैठक कब हुई, 24 जुलाई 1948 को। देखिए, स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। पहली बैठक कब हुई, 24 जुलाई 1948 को। अब उसके बाद क्या है, 1950 से पूरे विश्व में WHO स्थापना दिवस यानी WHO की जब स्थापना हुई थी उस दिवस पर यानी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पहली बार मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस क्या है, पहली बार मनाया गया। अब WHO का मुख्यालय कहाँ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में, कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, और शहर कौन सा है, जेनेवा। कौन सा है, जेनेवा। तो ये फैक्ट याद रखें कि स्विट्जरलैंड में है और जेनेवा। अब देखिए, इस बार का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं COVID-19 के प्रकोप से बहुत से लोगों ने, बहुत से वॉरियर्स ने अपनी जान खोई है। तो इस बार का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है उन तमाम डॉक्टरों और नर्सों, स्वास्थ्य कर्मचारियों को समर्पित है जो अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना COVID-19 की जंग लड़ रहे हैं। तो बहुत से लोग अभी जंग लड़ रहे हैं, बहुत से लोगों की इस जंग को लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो गई, वो लोग शहीद हो गए। तो हम ऐसे तमाम लोगों को नमन करते हैं और इस बार का जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ऐसे लोगों को क्या किया गया है, डेडिकेट किया गया है। अब देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाए जाने वाले स्वास्थ्य दिवस पर इस महामारी से लड़ने में सबसे पहली पंक्ति में खड़ी नर्सेज और अन्य हेल्थ वर्कर्स के लिए इस दिन को समर्पित किया है। इस बार का जो थीम है 2020 का, वो भी क्या है, ऐसे वॉरियर्स के लिए क्या डेडिकेट किया गया है। तो आइए देखते हैं 2018, 2019 और 2020 की थीम। अब देखिए, इस मुश्किल दौर में जब नर्स, डॉक्टर पूरी दुनिया को इस महामारी से बचाने में लगे हुए हैं,
इसलिए WHO ने इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रखी है, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स रखी है। मिडवाइफ्स यानी दाइयों का योगदान, ठीक है। तो इस वर्ष की थीम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे में एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लें। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स यानी नर्सों और मिडवाइफ्स यानी दाइयों का योगदान। आप देखिए 2018-19 की थीम क्या थी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, यानी सभी वर्ग के लोगों को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। तो ये थी 2018-19 की थीम। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो WHO और वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है जो महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन WHO की स्थापना हुई थी। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को। पहली बैठक कब हुई, 24 जुलाई 1948 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और 1950 से यह दिवस मनाया जाना शुरू किया गया है। अब WHO के अध्यक्ष कौन है, तो WHO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रस एडहॉनम। कौन है, डॉक्टर टेड्रस एडहॉनम। इस समय काफी चर्चा में भी है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिस वजह से COVID-19 क्या है, पूरे विश्व में अपना कहर बरसा रहा है। तो कौन है WHO के अध्यक्ष, टेड्रस एडहॉनम। कौन है, टेड्रस एडहॉनम। और WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। तो देखिए सबसे पहले स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल 1948 को। पहली बैठक कब हुई, 24 जुलाई 1948 को, ठीक है। कब से यह दिवस मनाया जाना शुरू किया गया, 1950 से, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष कौन है, टेड्रस एडहॉनम, ठीक। अब इसके अलावा और क्या है, इसकी थीम क्या है इस वर्ष की 2020 की, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ठीक। और 2019 की थीम क्या थी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर। अब आइए आगे जानते हैं कि आज के दिन यानी 7 अप्रैल को इतिहास में क्या कुछ खास हुआ, क्या कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। अब देखिए सबसे पहले 1818 की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने बिना मुकदमे के लोगों को निर्वासित करने और हिरासत में रखने वाला कानून, कौन सा, बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट पास किया था, यानी पेश किया था। और आप जानते हैं इस कानून के तहत क्या था कि बिना किसी मुकदमे के लोगों को क्या किया जा सकता था, हिरासत में लिया जा सकता था। और ऐसा ही एक एक्ट आया था, कौन सा, 1919 का रॉलेट एक्ट, जिसका क्या हुआ था, विरोध हुआ था। और 13 तारीख को क्या हुआ था, इस वजह से जालियांवाला बाग की घटना हुई थी। अब देखिए 1827 में क्या होता, माचिस की बिक्री शुरू हुई थी। ब्रिटिश जो रसायन शास्त्री थे वो कौन, जॉन वॉकर, इनके द्वारा यह कार्य शुरू किया गया था। अब 1940 में क्या हुआ, देखिए बुकर टी वाशिंगटन अमेरिका डाक टिकट पर छपने वाले पहले अश्वेत अमेरिकी बने। तो देखिए आप जानते हैं कि अमेरिका में क्या था, जैसे प्रत्येक राष्ट्र में क्या है, कुछ ना कुछ भेदभाव है, ऐसे अमेरिका में क्या था, श्वेत और अश्वेत का भेदभाव हमेशा से चलता आ रहा है और आज भी कहीं ना कहीं इसकी थोड़ा बहुत जड़ें देखी जा सकती हैं। तो उस समय पर क्या कि डाक टिकट पर छपने वाले पहले जो अश्वेत अमेरिकी बने वो कौन बने, बुकर टी वाशिंगटन बने। अब देखिए बुकर टी वाशिंगटन ने बहुत संघर्ष किया, और अगर आप लोगों ने पढ़ी हो एक बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, रॉबिन शर्मा की एक बहुत वर्ल्ड फेमस बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, उसमें बुकर टी वाशिंगटन का एक बहुत फेमस कोटेशन है, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। मैंने यह सीखा है कि सफलता का मापदंड वह स्थान नहीं है जहां कोई पहुंचता है, बल्कि वह बाधाएं हैं जिन्हें जीतकर वह सफलता तक पहुंचता है। देखिए बड़ा खूबसूरत एक कथन था। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि 1948 में क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या किया गया, गठन किया गया, WHO का गठन किया गया। आई बटन में लिंक दिया गया कि WHO क्या है, आप जाकर देख सकते हैं। अब यहां पर ये मिसप्रिंट हो गया, 1955, ठीक है। 1955 में क्या हुआ, विंस्टन चर्चिल ने क्या करा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। ये विंस्टन चर्चिल वही हैं जिन्होंने गांधी जी को क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर कहा था। 1969 में क्या हुआ कि अमेरिकी जो सेना है उसकी परियोजना के रूप में किसकी शुरुआत हुई, इंटरनेट की शुरुआत हुई, यानी एक परियोजना के तहत उन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की। इसी को क्या माना जाता है कि आज के दिन 7 अप्रैल 1969 को क्या है, इसका शुरुआत हुई थी, इसलिए क्या है 7 अप्रैल को क्या माना जाता है, इसका सांकेतिक जन्म माना जाता है। अब देखिए 2010 में एक महत्वपूर्ण घटना और घटी थी कि पटना की विशेष अदालत ने बिहार में 1 दिसंबर 1997 को अरवल जिले के लक्ष्मणपुर और बाथे गांव में 58 दलितों की हत्या के मामले में 16 दोषियों को फांसी और 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई। तो देखिए बिहार में एक बहुत ऐसी घटना घटी थी जिसमें एक नरसंहार हुआ था, तो इसके संबंध में क्या था, अदालत ने यानी पटना की अदालत ने क्या करा था, अपना निर्णय दिया था और 16 लोगों को फांसी की सजा और 10 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, ठीक है। अब जानते हैं कि किनका जन्म हुआ, तो देखिए 1919 में क्या हुआ कि पद्मश्री सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि कश्मीरी लाल जागीर का जन्म हुआ था। 1920 में क्या हुआ, प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर का जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था बनारस में। देखिए रविशंकर 1999 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं और एक मशहूर सितार वादक रहे हैं।
ठीक है। 1942 में किसका जन्म हुआ? जितेंद्र, भारतीय फिल्म अभिनेता है, बॉलीवुड के एक बहुत महान, एक बहुत फेमस क्या रहे हैं, एक्टर रहे हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो जितेंद्र देखिए, इनकी बेटी है एकता कपूर, जिनको इस वर्ष क्या दिया गया, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एकता कपूर। और इनके बेटे हैं कौन? तुषार कपूर। तुषार कपूर को आप जानते होंगे गोलमाल और गोलमाल की जितनी भी सीरीज है, उन सीरीज में आप उनको देख सकते हैं, अच्छे एक्टर, एक कॉमेडी एक्टर के तौर पर। तो दोस्तों आज हमने जाना कि विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, और साथ ही साथ हमने जाना कि आज का जो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस है उन तमाम लोगों को डेडिकेट किया गया जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में क्या कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने जाना कि इतिहास में क्या कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब।